A very good morning, students. Welcome you all in Shantikunj online classes. Here I am just going to teach you English. In English, we will discuss about our second chapter, Doctor. ठीक है? तो इसके बारे में हम discuss करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज की स्टडी. इसमें देखिए बच्चों, हम फर्स्ट जो है अपना चैप्टर लैबर्नम का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट वी हैव. ये देखिए लैबर्नम, ये जो चैप्टर है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. ये देखिए, ये इसकी एक्सरसाइज है. मैं एक्सरसाइज अभी आपको सेंड कर दूंगी जो आपके लिए होमवर्क होगा. ठीक है, तो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर विच इज अ डॉक्टर, मीन्स टू से विजिट टू अ डॉक्टर. आई हैव ओनली वन अनप्लीजेंट मेमोरी ऑफ द समर हॉलीडेज इन नॉर्वे. जैसे कि कहते हैं ना बच्चों की समर वेकेशंस में बच्चों का क्या होता है कि वो अपने दादा दादी के ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं घूमने के लिए, है ना. हम लोग भी जाया करते हैं और हम लोग भी जाते थे जब हम छोटे थे. तो और अभी भी होता है कि कभी भी हमें टाइम मिलता है तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर, दादा दादी के घर जाते हैं ना घूमने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए. तो ऐसे ही एक बच्चे की स्टोरी है कि वो समर वेकेशंस में अपने नॉर्वे में जहाँ पे रहते थे उसके ग्रैंड पेरेंट्स, तो वहाँ पे वो जाता है. वी वर इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन ओस्लो. ओस्लो में था जो कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स का घर. माई मदर शेड टू मी, मेरी मदर जो है उन्होंने मुझे कहा कि वी आर गोइंग टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून. तो उन्होंने मुझे कहा कि इस आफ्टरनून, इस दोपहर को हम कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं. एंड ही वॉन्ट्स टू लुक एट योर नोज एंड माउथ. और वो क्या चाहता है डॉक्टर, तुम्हारे जो नोज है और तुम्हारा जो माउथ है उसको देखना चाहता है. आई थिंक आई वॉज 8 एट दैट टाइम. मैं सोचता हूँ कि शायद मैं उस टाइम पे 8 साल का रहा हूँगा लगभग. व्हाट्स रॉन्ग विद माई नोज एंड माउथ, आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि क्या हुआ है मेरे माउथ को और मेरी नोज को जो कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ रही है मॉम. तो नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं, माई मदर शायद, मेरी मदर ने कहा, बट आई थिंक यू हैव गॉट एनोइड्स, कि तुम्हें एनोइड्स हो गया है. व्हाट आर दे, ये क्या है, आई आस्क्ड हर. मैंने उनसे पूछा. डोंट वरी, चिंता मत करो अबाउट इट, शी शेड इट्स नथिंग. उसने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई हेल्ड माई मदर्स हैंड, मैंने अपनी मदर का जो हैंड है वो पकड़ा. वी वॉक्ड टू द डॉक्टर हाउस, हम उनके घर पहुंचे डॉक्टर की. आई टुक अस अबाउट हाफ एन आवर, मतलब मैं वहाँ पे, मतलब लगभग हमें कितना, आधा घंटा लगा होगा वहाँ तक जाने के लिए. देयर वॉज अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर इन द सर्जरी एंड आई वॉज लिफ्टेड इन टू इट. वहाँ पे एक डेंटिस्ट की जो चेयर होती है ना वो रखी हुई थी सर्जरी रूम में. एंड आई वॉज लिफ्टेड इन टू इट, और मुझे उसमें बिठा दिया गया. द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर स्टेप्ड टू हिज फोरहेड एंड ही स्पीयर्ड अप माई नोज एंड इन टू द माई माउथ. तो डॉक्टर ने एक मिरर जो होता है ना स्ट्रैप्ड, उसका उसने पहना हुआ था, फोरहेड पे लगाया हुआ था. एंड पीयर्ड अप माई नोज, और मेरी नोज में उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जब भी डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, ये देखिए ये लाइट्स के लिए होता है ताकि वो देख सकें, और ये होता है कि आपके मुंह के अंदर या नोज में आप वो झांक कर देख सकें कि क्या हुआ है. ही दैन टुक माई मदर असाइड, और फिर वो मेरी मदर को एक साइड में लेके गए और उन्होंने उनके थोड़ा सा धीरी आवाज में बोला, कॉन्वर्सेशन में, आई शॉ माई मदर लुकिंग रादर ग्रिम बट शी नॉडेड. तो जो मेरी मदर है उनको मैंने थोड़ा सा ग्रिम देखा, लेकिन फिर उन्होंने मतलब सर हिला दिया. द डॉक्टर नाउ पुट सम वाटर इन टू द बॉय. फिर जो डॉक्टर है वो कुछ वाटर जो है वो लेके आया बॉयल एल्यूमिनियम मग में ओवर अ गैस, उसने फ्लेम पे चढ़ा दिया वो जो था, इन टू द बॉइलिंग वाटर. और फिर मतलब गर्म पानी में ही प्लेस अ लॉन्ग थिन शाइनी स्टील, और फिर उन्होंने एक शाइनी स्टील जो होती है ना, जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं डॉक्टर्स के, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो उसमें डाल दिए ताकि उसे कहते हैं ना कि डिसइंफेक्ट करने के लिए वो चीज़ें करते हैं. I sat there watching the stream coming out of the boiling water. तो मैं भाप देख रहा था जो कि boiling water में से आ रहा था. I was not in the at least apprehensive. I was too young to realize that something out of the ordinary was going to happen. तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था ये रियलाइज करने के लिए, महसूस करने के लिए कि कुछ जो है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, जो कि सामान्य से थोड़ा सा हटके है, वो होने वाला है या हो रहा है. तो देन अ नर्स ड्रेस्ड इन अ वाइट केम इन, और तभी एक जो नर्स है उसने
उन्होंने क्या पहन रखा था, व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उनके हाथ में रेड रबर का जो एप्रन होता है ना वो था, एंड अ कॉब्ड व्हाइट एनिमल बॉल, जिन्होंने मतलब क्या ले रखा था, एक कॉब्ड एनिमल जो बॉल होता है ना कटोरा टाइप में होता है तो वो ले रखा था। शी पुट द एप्रन ओवर द फ्रंट ऑफ माई बॉडी, उन्होंने जो एप्रन है वो मेरी बॉडी पे डाल दिया, एंड टाइड इट टू अराउंड माई नेक, और इसे मेरे नेक के अराउंड में मतलब बांध दिया, टाई कर दिया। इट वॉज फार टू बिग, और ये बहुत बड़ा था। दैट द डॉक्टर वॉज बेंडिंग ओवर मी, फिर जो डॉक्टर है वो मेरी तरफ झुका, इन माई इन हिज हैंड, उनके हाथ में ही हैड दैट लॉन्ग शाइनी स्टील इंस्ट्रूमेंट, और फिर उनके हाथ में क्या था, एक लॉन्ग शाइनी जो स्टील का इंस्ट्रूमेंट है वो था। ही हैड इट राइट इन द फ्रंट ऑफ माई फेस, और वो इसे मेरे फेस के पास लेके आए, एंड दिस डे आई कैन स्टिल डिस्क्राइब इट परफेक्टली, और मैं आज भी उस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ परफेक्टली। इट वॉज अबाउट द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द पेंसिल, इस पूंछ की जो पेंसिल की तरह लेंथ थी, एंड इट वॉज लाइक अ पेंसिल, इट हैड अ लॉट ऑफ साइड टू इट, और इसके बहुत ही मतलब तेरी जो होती है ना साइड वो थी। टूवर्ड्स द एंड द मेटल बिकेम मच थिनर, और फिर लास्ट में जाके ये बिल्कुल थिनर पतली हो जाती है, और फिर ये मेटल जैसी टिनी अबेट सैट इन द एंगल। द ब्लेड वॉज नॉट मोर देन अ सेंटीमीटर लॉन्ग, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा, वेरी शार्प और बहुत ही शाइनी था। ओपन योर माउथ, तो उन्होंने बोला कि अपना मुंह खोलो। द डॉक्टर शैड, डॉक्टर ने कहा, स्पीकिंग नॉर्वेज, मतलब नॉर्वे में जो है वो बोल रहे थे नॉर्वेनियन। नो आई मम्बल्ड, मैं मतलब ऐसे ही मन मन में कहा नहीं। आई थॉट ही वॉज गोइंग टू डू समथिंग टू माई टिथ, मैं सोच रहा था कि वो मेरे दांतों के साथ कुछ करने वाले हैं। एंड एवरीथिंग एनी वन हैड एवर डन टू माई टिथ हैड बीन पेनफुल, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना कि हर कोई भी अगर मेरे टिथ के साथ कुछ भी करता था तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता था, मुझे बहुत दर्द होता था। तो इट वोंट टेक टू सेकेंड, तो दो सेकेंड भी नहीं लगे होंगे। द डॉक्टर मर्मर्ड, ही स्पोक, उन्होंने बोला दो सेकेंड भी नहीं लगेंगे बेटा। ही स्पोक जेंटली, उन्होंने बहुत प्यार से कहा। एंड आई ओपन माई माउथ, और मैंने अपना मुंह खोल दिया। द टिनी ब्लेड फ्लैश्ड इन टू द ब्राइट लाइट एंड डिसअपीयर्ड इन टू माई माउथ, और उसमें से फ्लैश होती है मतलब ब्राइट लाइट एकदम से हुई जली, और फिर वो मेरे मुंह के अंदर कहीं ना कहीं मतलब वो डिसअपीयर हो गई, क्योंकि फिर उसे दिखना बंद हो गया कि अंदर चली गई वो मुंह में। तो इट वेंट हाई अप इन टू द रूफ ऑफ द माई माउथ, और फिर ये जो मुंह की जो छत होती है वो बता रहा है कि वहां गई। एंड द हैंड दैट हेल्ड द ब्लेड गेव फोर और फाइव वेरी क्विक लिटिल ट्विस्ट, एंड नेक्स्ट मोमेंट मतलब ट्विस्ट जैसे कहते ना चुभाना, हल्की हल्की से मुझे चुभन महसूस हुई, चार पांच सी मोड़ा उन्होंने उसको, एंड फिर मेरे माउथ में इन टू द बेसिन केम ट्रिम्बलिंग अ होल मास ऑफ फ्लैश एंड बॉल। तो फिर मेरे जो बेसिन में पूरे में क्या था, मांस के टुकड़े, फ्लैश और ब्लड ही ब्लड था। आई वॉज टू शॉक्ड, मैं बहुत ज़्यादा शॉक था टू डू एनीथिंग बट येल्प, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। आई वॉज हॉरीफाइड बट द ह्यूज रेड लम्प्स, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना कि लम्प्स जो होते हैं उसके निकलते हैं ब्लड के या फिर फ्लैश के, तो वो थे, वो मेरे मुंह से गिर रहे थे वाइट बेसिन में। माई फर्स्ट थॉट वॉज दैट द डॉक्टर हैड कट आउट द होल ऑफ द मिडल ऑफ माई हेड, तो मुझे मेरा पहला थॉट ये था कि जो डॉक्टर है उसने मेरा क्या किया, बीच का जो हिस्सा है सिर का वो पूरा का पूरा काट दिया, ऐसा लगा क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। तो देखिए फिर क्या होता है, आई सेट देयर गैसपिंग, द रूफ ऑफ माई माउथ सीम टू बी ऑन द फायर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके बाद देखिए हम जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लैबरनम, उसका जो होमवर्क है वो करते हैं हम। ठीक है, आज आपके लिए उसके चैप्टर के जो राइमिंग वर्ड्स हैं और क्या है और उसके क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू। और फिर आज के लिए आपका होमवर्क ये भी है कि आपको ये जो वर्ड मीनिंग है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट करने हैं, और प्लस में टिक द करेक्ट वगैरह ये अपनी कॉपी में करने हैं और कोशिश करनी है इसे सर्च करने की। ठीक है बच्चों, इसके राइट आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।